हेलो, मैं हूं आपका होस्ट नासिर खान और इस टाइम हूं मैं बैंफ नेशनल पार्क में जॉनसन लेक के किनारे। लेक कहां है? लेक फ्रोजन है मेरे पीछे इस टाइम, और यहां पे एक्चुअली लोग स्केटिंग कर रहे हैं। और यही होता है कनाडा में, विंटर में सारी लेक्स फ्रीज हो जाती हैं और लोग उस पर स्केटिंग करते हैं, और कुछ लेक्स पे गाड़ियां तक चलाते हैं, लेकिन यहाँ नेशनल पार्क में सिर्फ स्केटिंग होती है। और ये इस टाइम मैं हूँ, ऊपर एक प्लेटफॉर्म है और एक छोटी सी वॉक है जॉनसन लेक के साथ साथ, तो इस पर अभी मैं हूँ। और यहाँ मैं कैसे पहुँचा आपको अभी ले कर चलते हैं 2 घंटे पीछे। आज की इस सैर का आगाज़ कर रहे हैं हम अपने शहर कैलगरी से, और इस टाइम मैं हूँ कैलगरी के इलाके स्काईव्यू रेंच और रेडस्टोन के दरमियान, और कैलगरी से ही सामने रॉकी माउंटेन्स का बहुत प्यारा व्यू नज़र आता है। शायद गोप्रो आपको ना दिखा सके, लेकिन इस टाइम बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है इस धूप के टाइम पे। तो हम इस टाइम पहुंच चुके हैं स्टोनी ट्रेल पे। स्टोनी ट्रेल एक हाईवे है जो कैलगरी के इर्द गिर्द जाती है। वेस्टर्न कनाडा में इस तरह की रिंग रोड्स तकरीबन हर शहर के साथ है। एडमंटन के इर्द गिर्द भी एक रिंग रोड है इसी तरह की, और कैलगरी के इर्द गिर्द ये स्टोनी ट्रेल, सास्कटून के इर्द गिर्द सर्कर ड्राइव है, और इसी तरह रेजाइना रिंग रोड रेजाइना के इर्द गिर्द जाती है, और विनीपेग में भी एक सिमिलर सी रोड है जो कि बहुत ही कन्वीनियंट कर देती है ट्रैफिक को। इसकी वजह से शहर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है और शहरों को अडॉप्ट करना चाहिए। शायद ज्योग्राफी अलाउ नहीं करती बाकी शहरों में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि टोरंटो के एक साइड पे लेक है तो उसके इर्द गिर्द रिंग रोड बन ही नहीं सकती, और इसी तरह वैंकूवर में एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ समंदर है, तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त हम ट्रांस कनाडा हाईवे पे चढ़ चुके हैं और सामने रॉकी माउंटेन्स का बहुत ही प्यारा व्यू कैलगरी से बस बाहर निकलते ही नज़र आना शुरू हो जाता है, बल्कि कैलगरी के अंदर भी नज़र आ रहा था हमें ये व्यू। और जूं जूं आगे जाते जाए करीब होते जाते हैं पहाड़, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। कैलगरी से कोई हार्डली आधा घंटा ही हुआ है और लैंडस्केप बिल्कुल ही चेंज हो गया है। यहाँ पे फार्म्स की जगह फार्म्स ही हैं, ज़रा ऊंचे नीचे फार्म्स हैं और इन पे घोड़े वगैरह फिर रहे हैं, और सामने रॉकी माउंटेन्स का बहुत ही खूबसूरत व्यू। बस दिल चाहता है इस व्यू को देखते चले जाएं, और हम उसकी तरफ जा रहे हैं। हमारे ड्राइव को अभी 1.5 घंटा ही हुआ है और हम ऑलरेडी पहाड़ों में पहुँच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पास ही एक छोटा टाउन है कैनमोर। तो बेसिकली बैंफ नेशनल पार्क है और साइड पे एक प्रोविंशियल पार्क है कैनानास्किस, वहाँ दोनों जगहों पर जाने की फ़ीस है, लेकिन अगर आप फ्री में वॉक करना चाहते हैं तो कैनमोर यहाँ पास ही बहुत अच्छा शहर है। हम इस वक्त ट्रांस कनाडा 1 के ऊपर जा रहे हैं जो कनाडा की बहुत ही अहम हाईवे है। यह 7821 किलोमीटर लंबी है, जी हाँ 7821,
और ये कनाडा के एक कोने से जो कि अटलांटिक ओशन पे है, सेंट जॉन न्यूफाउंडलैंड, वहाँ से विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया जाती है जो कि कनाडा के दूसरे कोने पे और पैसिफिक ओशन पे है। कमाल की बात है, एक हाईवे पूरा कॉन्टिनेंट क्रॉस करती है और एक समंदर से दूसरे समंदर पे जाती है और पूरा साल खुली रहती है इतने ठंडे मौसम में भी। अभी मैं कैनमोर से गुजर रहा हूँ, जिस शहर का जिक्र थोड़ी देर पहले मैंने आपसे किया था। ये नेशनल पार्क से कुछ बाहर है और पहाड़ों से घिरा हुआ है हर तरफ से, बहुत ही खूबसूरत शहर है। और क्योंकि ये नेशनल पार्क से बाहर है इसलिए बैंफ से थोड़े सस्ते होटल्स होते हैं, तो रहने के लिए एक अच्छी जगह है। खैर अब इतना सस्ता भी नहीं होता, कुछ निस्बतन सस्ते होंगे किराए एयरबीएनबी और होटल्स के कैनमोर में बैंफ की निस्बत, लेकिन फिर भी यहाँ पे एकोमोडेशन ज़रा ज़्यादा अवेलेबल है। और उसके अलावा ग्रॉसरी स्टोर बैंफ में सिर्फ एक है आईजीए, लेकिन यहाँ पे बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स हैं सेफे, सेवन फूड्स और आई थिंक कोऑप भी है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं और रेस्टोरेंट्स वगैरह काफ़ी हैं, तो एक अच्छी जगह है रहने के लिए कि आप दिन को बैंफ एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ पे रह सकते हैं। चलें जी, बैंफ नेशनल पार्क के अंदर एंटर होने लगे हैं और हाईवे की स्पीड लिमिट अचानक से कम हो जाती है नेशनल पार्क में आते ही, पहले 110 थी और इससे आगे 90 होगी। जाके पार्क पास लेते हैं और फिर आगे आपको नेशनल पार्क दिखाते हैं। Just for today. Perfect. 21, please. Yep. Beautiful. Do you need a guidebook to the park? No. We already know the park. All right. Good stuff. Yep. All set. Have a great day. Thank you. तो जी, हम बैंफ नेशनल पार्क में एंटर हो चुके हैं। गर्मियों में यहाँ आए तो बहुत ही रश होता है, इवन पार्क गेट पे जहाँ पे हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ा वहाँ पे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन ऑफ सीज़न आने का यही फ़ायदा है कि रश नहीं होता और अगर आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं तो आपको होटल्स वगैरह सस्ते मिलेंगे। बैंफ नेशनल पार्क कनाडा का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसको 1885 में रॉकी माउंटेन पार्क के नाम से इस्टेब्लिश किया गया। ये नेशनल पार्क बो वैली में वाक़ है और बो वैली बेसिकली बो रिवर इसके अंदर से गुजरता है और इर्द गिर्द पहाड़ मौजूद हैं। इसके एक साइड पे ब्रिटिश कोलंबिया है जो कि बॉर्डर लेक लुइस बनती है, जो कि लेक लुइस इसी नेशनल पार्क में आती है, और ब्रिटिश कोलंबिया की साइड पे भी आगे नेशनल पार्क ही है जो कि बेसिकली योहो नेशनल पार्क और साउथ में कूटने नेशनल पार्क, और इसके नॉर्थ में अल्बर्टा में ही जैस्पर नेशनल पार्क मौजूद है। और इधर बहुत सारी आबशारें, पहाड़, दरख्त और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ मौजूद है और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। आज के दिन हम इसको पूरा कवर नहीं कर सकेंगे, टाइम इतना नहीं है, बहुत ही बड़ा पार्क है, इसको कवर करने के लिए कई दिन चाहिए। तकरीबन ये 6,641 स्क्वायर किलोमीटर्स पे फैला हुआ है, तो देखते हैं इसकी आज प्लान तो हमारा ये है कि कुछ लेक्स को जा के देखते हैं और उसके बाद में आपको बैंफ सिटी दिखाएंगे और बाद में देखते हैं कितना टाइम बचता है और उसमें और क्या देख सकते हैं। तो बैंफ की तरफ जब हाईवे 1 से मुड़ते हैं तो आपके लेफ्ट साइड पे बैंफ टाउन की तरफ रास्ता जाता है और राइट साइड पे लेक मिनीवांका की तरफ, और लेक मिनीवांका का डायरेक्ट राउट जो है वो सर्दियों में बंद होता है, सिर्फ गर्मियों के लिए खुला होता है, लेकिन एक सीनिक राउट है जो जॉनसन लेक और टू जैक लेक से होता हुआ मिनीवांका की तरफ जाता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर गर्मियों में भी आएँ तो ये राउट लें
और जॉनसन और टू जैक लेक पे ज़रूर जाएं, बहुत ही खूबसूरत लेक्स हैं। अभी हमारे सामने सबसे पहले जॉनसन लेक आएगी, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। और अगर मैं बाहर कैमरा माउंट करता तो आपको शीशे से बाहर ज़्यादा साफ नज़र आता, लेकिन क्योंकि सर्दियाँ हैं तो अगली गाड़ियों के टायरों से कीचड़ उड़ के आती है, जिससे कैमरे का लेंस ख़राब हो जाता है और फिर नज़र कुछ नहीं आता, तो इसलिए उसको अंदर माउंट किया है। तो अभी जॉनसन लेक की पार्किंग लॉट से निकल के लेक के साथ ही एक ट्रैक सा बना हुआ है, इस ट्रैक से जाते हैं लेक को ऊपर से जाके व्यू करते हैं और देखते हैं कि कैसी लेक है, एक सरप्राइज ही है। तो यहाँ बैंफ में जॉनसन लेक अभी बहुत ही खूबसूरत, और लोग एक्चुअली में स्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये नीचे ग्राउंड नहीं है, ये बेसिकली लेक है और काफ़ी गहरी लेक है। अगर समर में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, इसके करीब भी लोग नहीं जाते, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त। और ये साथ ही एक खूबसूरत सी वॉक इसके साथ चल रही है। कैलगरी में रहने का यही फ़ायदा है कि बाकी दुनिया जिस जगह को एक ख्वाब समझती है और वहाँ पे कभी कभी जा सकते हैं, आप हर टाइम उस जगह पे पहुँच सकते हैं। सिर्फ 2 घंटे में कैलगरी से बंदा बैंफ पहुँच जाता है। और ये कनाडा का एक जेम है, पूरी दुनिया से जहाँ से लोग आते हैं कनाडा, उनको सिर्फ 2 जगहों का पता होता है, या नायग्रा फॉल्स जो कि टोरंटो के पास है, या फिर बैंफ नेशनल पार्क जो कि कैलगरी के पास है। चलते हैं वापस पार्किंग की तरफ। जॉनसन लेक देख ली है, अब अगली लेक्स की तरफ जाते हैं क्योंकि आज टाइम थोड़ा है और काफ़ी कुछ कवर करना है, तो इसलिए देखते हैं कि आगे किस किस लेक की तरफ जा सकते हैं। लेकिन बहुत ही पुरसकून जगह है, बहुत खाली है। अब हम आगे टू जैक लेक की तरफ मुड़ रहे हैं और इसी रास्ते से आगे एक और लेक है, लेक मिनीवांका, उसकी तरफ जाएंगे। और अब हम टू जैक लेक पे पहुंच चुके हैं, लगता है यहाँ कोई शादी हो रही है क्योंकि इतने तैयार लोग एक लिमो में आए हैं, शादी के अलावा ऐसा मौका नहीं होता। टू जैक लेक बैंफ की खूबसूरत लेक्स में से एक बहुत ही खूबसूरत लेक, और ये भी फ्रोज़न है, और इस टाइम सारी लेक्स ही फ्रोज़न होनी है। चल के देखते हैं लेक के ऊपर थोड़ी देर खड़े होके, लेकिन बहुत स्लिपरी होगी
उम्मीद है कि नहीं गिरेंगे क्योंकि शूज़ मेरे अच्छे हैं लेकिन स्केट्स नहीं है मेरे पास। तो इस टाइम मैं लेक के अंदर हूँ, ये देखें जी, समर में यहाँ खड़े होने का सोच भी नहीं सकता और विंटर में इसके ऊपर खड़ा हूँ लेक के। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत स्लिपरी है, आगे नहीं जाता, वापसी की तरफ जाता हूँ, कोई हड्डी वगैरह ना टूट जाए और फिर इसके ऊपर मेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे अभी एक उस साइड पे शादी हो रही है तो वहाँ नहीं जाते, उन लोगों को तंग नहीं करते, और हम यहीं से अगली लेक की तरफ चलते हैं। बैंफ नेशनल पार्क बहुत बड़ा है और आज के दिन इसको डिस्कवर करना है, सारा नहीं कर सकेंगे। एक ये लेक, एक जॉनसन लेक, एक इसके साथ है लेक मिनीवांका। यूजुअली समर में लेक मिनीवांका का एक और राउट होता है जो कि बंद है इस टाइम विंटर की वजह से, लेकिन यहाँ से एक और निकलता है लेक मिनीवांका के लिए और उस पर जाएंगे और इन्जॉय करेंगे। वहाँ जंगल में कुछ है, ओके, डॉग्स हैं सिर्फ, मुझे लगा कि वुल्फ्स हैं, किसी के कुत्ते फिर तो लेकिन यहाँ पे नेशनल पार्क है क्योंकि, तो वुल्फ्स बेयर ये आम सी बात है देखना, तो ज़रा मोहतात रहना चाहिए। और ख़ास तौर पे विंटर में जब ज़्यादा लोग भी नहीं होते, समर में बहुत रश होता है तो वाइल्ड लाइफ भी ज़रा छुप के रहती है। तो वापस ऊपर गाड़ी की तरफ पार्किंग में चलते हैं और यहाँ से उतर के लेक की तरफ आया था। बहुत ही पुरसकून और बिल्कुल रश नहीं है, लेकिन अगर आप गर्मियों में आए तो आप पहचानेंगे नहीं कि ये वही जगह है। तो सर्दियों में सर्दी होती है और आज ज़रा बेहतर दिन है, आज इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि रश बिल्कुल नहीं होता। टू जैक लेक से लेक मिनीवांका की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। एक तरफ हमारे पहाड़ है और दूसरी तरफ नीचे खाई में लेक, तो वाओ, इस ड्राइव को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और चंद ही ड्राइव्स होती हैं जो करने में बहुत मज़ा आता है, ये उनमें से एक है। इतनी लंबी नहीं है, सिर्फ 3 लेक्स के दरमियान ये ड्राइव जाती है, लेकिन ओवरऑल नेशनल पार्क में चलाने का एक अपना ही मज़ा है गाड़ी चलाने का। और जगह जगह ऐसे स्पॉट्स आते हैं कि आपका दिल चाहता है आप रुक के तस्वीरें बनाना शुरू करते हैं, लेकिन टाइम की लिमिटेशन की वजह से हर जगह नहीं रुक सकते, लेकिन यहाँ रुक के देखते हैं। और ये व्यू पॉइंट है, ये एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे मैं रुका हूँ, और नीचे लेक है। मेरे ख्याल से टू जैक लेक अभी तक चल रही है और पहले से रेंज का बोर्ड लगा है, तो ये सामने के पहाड़ पहले से रेंज है। बहुत यहाँ से देख के बहुत गहरी जगह है, दरख्तों ने थोड़ा सा व्यू पॉइंट को ख़राब कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत ही खूबसूरत है। सॉरी, मैंने उस टाइम रियलाइज़ नहीं किया था कि टू जैक लेक ख़त्म हो चुकी थी और वो बेसिकली लेक मिनीवांका थी, और अब हम लेक मिनीवांका की साइड से गुजर रहे हैं। लेक मिनीवांका की पार्किंग के पास पहुंच चुके हैं और होपफुली पार्किंग मिल जाएगी क्योंकि सर्दियां हैं तो रश कम ही होगा, लेकिन गर्मियों में यहाँ पे पार्किंग मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं यहाँ कई दफ़ा आया हूँ और हर दफ़ा पार्किंग मिलती है, मुश्किल से ज़रा दूर कहीं मिल जाती है, लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलती। लेक मिनीवांका एक बहुत बड़ी लेक, और जो यहाँ के कदीम लोग थे स्टोनी नकोडा फर्स्ट नेशंस, वो इसको बहुत ही मुकद्दस मानते थे, और मिनीवांका का मतलब लेक ऑफ स्पिरिट्स है, और यहाँ पे तकरीबन 14,000 साल पहले से इंसानी आबादी मौजूद थी। मैं इस टाइम हूँ लेक मिनीवांका पे, बैंफ की खूबसूरत लेक्स में से एक और बहुत ही खूबसूरत लेक। ये बहुत बड़ी लेक है और यहाँ पास ही समर में बोट चलती हैं यहाँ से, लेकिन इस टाइम लोग आइस फिशिंग कर रहे हैं और लेक पे वॉक कर रहे हैं, तो
बहुत डिफरेंट होता है समर और विंटर, फिर भी बहुत ही खूबसूरत है। और अब यहाँ से हम चलते हैं बैंफ टाउन की तरफ, वहाँ टाउन की सैर करते हैं और खाने के लिए कुछ लेते हैं। बैंफ एक रिज़ॉर्ट टाउन है और बाकी रिज़ॉर्ट टाउन्स की तरह यहाँ पे पूरा साल ही गहमा गहमी नज़र आती है। हर तरफ आपको लोग चलते हुए नज़र आएंगे और पहाड़ों से घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स हैं इसके पास, उस तरफ भी जाएंगे। यहाँ पास ही से गंडोला चलता है जो कि ऊपर माउंटेन पर लेके जाता है, सल्फर माउंटेन पर। और उसके अलावा यहाँ पे बैंफ स्प्रिंग्स होटल है पास ही, और उसके पीछे बो फॉल्स है, और बाकी यहाँ पे एक केव एंड बेसन एक जगह है जो कि बेसिकली बर्थ प्लेस था इसकी, नेशनल पार्क की। पता नहीं कितनी जगह विज़िट कर सकते हैं ये, क्योंकि ऑलरेडी शाम होने वाली है और खाना नहीं खाया, तो पहले चल के खाना खाते हैं। यहाँ पे पास ही ग्रॉसरी स्टोर है IGA, उसकी डेली से कुछ सस्ता सा ले लेते हैं क्योंकि बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह पे कुछ महंगा ही होगा। तो ये चिकन स्ट्रिप्स और पोटैटो वेजेस लिए हैं, खाना खा लिया और खाना मज़े का था। और अब चलते हैं, टाइम थोड़ा बचा है, पहले बो फॉल्स की तरफ चलते हैं और उसके बाद बैंफ स्प्रिंग्स होटल और ऊपर फिर हॉट स्प्रिंग्स की तरफ। लेकिन उससे पहले एक ड्राइव कर लेते हैं डाउनटाउन के दरमियान से, वैसे भी गुजर के जाना ही है। और यहाँ पे ये सिग्नल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो बेसिकली गाड़ियों के लिए ये सिग्नल बंद हो जाते हैं और उसके बाद सारी तरफ से पेडेस्ट्रियंस के लिए खुल जाते हैं, और पेडेस्ट्रियन इसको दरमियान से भी क्रॉस कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत कम जगहों पे होते हैं सिग्नल, लेकिन यहाँ पे मैंने पहली दफ़ा यहीं पे देखा था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पेडेस्ट्रियन ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी पेडेस्ट्रियंस को दी जाती है। Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. If I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down.
मैं हूँ इस टाइम पो फॉल्स के पास जो कि बैंफ में बैंफ स्प्रिंग्स होटल के बिल्कुल साथ है और गर्मियों में बहुत ही खूबसूरत फॉल्स हैं, सर्दियों में ऑलमोस्ट फ्रोजन है लेकिन साइड पे थोड़ा सा पानी इससे पीछे बह रहा है और बहुत ही खूबसूरत व्यू। सो अमेजिंग वाव, ये जगह जितनी गर्मियों में खूबसूरत है उतनी सर्दियों में भी खूबसूरत है और बल्कि कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। तो वॉक करते हैं इसके साथ साथ। बहुत अच्छी ट्रैक है, अभी मैं स्लिप होने लगा था तो ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, विंटर शूज़ पहने हैं उसके बावजूद यहाँ पे स्केट्स पहनने चाहिए जितना ये स्लिपरी है। मौसम शुक्र है आज अच्छा है, पॉजिटिव में है जो कि अमूमन यहाँ पे नहीं होता, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में होता है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही खूबसूरत जगह है और बस एंजॉय कर रहा हूँ इसको। अभी मैं इस टाइम बो रिवर के अंदर खड़ा हूँ, वैसे रिवर पे खड़ा होना अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि अगर टूट जाए, लेकिन बहुत थिक लेयर है इसकी तो मेरे ख्याल से ठीक ही होगा और सारा नहीं जमता पानी, कुछ अभी भी बह रहा है। ये जो बो रिवर है इसकी वजह से इस एरिया को बो वैली कहा जाता है और जो है जो कैलगरी में रिवर आ रहा है वो भी यही वाला है, बो रिवर तो यहीं से निकलता है और साथ ही कैलगरी है वहाँ से बहता है, तो इसलिए कैलगरी का पानी भी काफ़ी अच्छा है। तो यहीं पे ऊपर जो पहाड़ों पे ग्लेशियर्स हैं ये उनका पानी है, साफ शफाफ बहुत ही ज़बरदस्त पानी, तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेज ऑन दिस प्लानट। ये जब मैं कहूँ तो कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी क्योंकि वाकई बहुत ही खूबसूरत है। और इस फॉल्स के साथ ही ये बैंफ स्प्रिंग्स होटल है और बैंफ स्प्रिंग्स होटल जिस तरह मेरी अगर सैस्कटून की एपिसोड देखी हो, मैंने वहाँ पे डेल्टा बेस्प्रो होटल दिखाया था, तो इस तरह के बड़े ही खूबसूरत होटल्स थ्रू आउट कैनेडा हैं और ये भी उनमें से एक है। ये काफ़ी पुराना है, 1888 में कैनेडियन पैसिफिक रेलवे ने इसको बनाया था और बाद में इसमें एडिशंस होती रहीं, लेकिन ये एक आइकॉन है, काफ़ी महंगा होटल है, बैंफ में छोटे होटल्स भी महंगे हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है देखने के लिए और इसके साइड से सोचा एक इसका चक्कर मार लेते हैं। और अभी देर हो रही है इसलिए इससे आगे ऊपर हॉट स्प्रिंग्स हैं उसकी तरफ इसके बाद चलते हैं। ये रोड ऊपर सल्फर माउंटेन की तरफ जा रही है और सल्फर माउंटेन के पास से एक गंडोला भी चलता है जो बेसिकली
जिसको कुछ मुल्कों में केबल कार भी कहा जाता है। तो गंडोला इस माउंटेन के ऊपर ले जाता है और साथ से ये एक ट्रैक भी जा रहा है जहाँ से वॉक करके जा सकते हैं। विंटर में वो ट्रैक उधर जाने के लिए आपको शायद ज़रा मुश्किल हो क्योंकि आइस और स्नो होगी पूरे ट्रैक में और बहुत ही सीधा और ऊंची हाइक है। तो पार्किंग में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ साथ ही हॉट स्प्रिंग्स है जहाँ पूल बने हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त हॉट स्प्रिंग है। मैं हूँ इस टाइम बैंफ अपर हॉट स्प्रिंग में और यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स हैं जिसमें लोग नहाने आते हैं। सल्फर माउंटेन है, बेसिकली दो अट्रैक्शंस हैं, एक गंडोला जो ऊपर जाता है सल्फर माउंटेन के और एक ये हॉट स्प्रिंग्स। लोग यहाँ पे नहाने आते हैं और सर्दियों में भी बाहर नहा रहे हैं क्योंकि हॉट स्प्रिंग का पानी गर्म है। इसका टेम्परेचर बहुत कम्फर्टेबल, बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में कुछ ज़्यादा गर्म लगता है लेकिन सर्दियों में बहुत बेहतरीन है। इसी के साथ नीचे एक और पार्किंग है जहाँ से गंडोला जो है वो सल्फर माउंटेन के ऊपर जाता है और ऊपर एक रेस्टोरेंट है। अभी काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है और देखते हैं, यहाँ पे रश भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर पार्किंग मिल गई तो फिर ऊपर चल के इस टाइम देख भी लेंगे और शाम है क्योंकि नीचे से बड़ी ज़बरदस्त लाइट्स नज़र आएंगी। तो चल के देखते हैं, अगर अभी करीब पार्किंग नहीं मिलती तो दोबारा बाद में वापस आ जाएंगे क्योंकि शाम भी काफ़ी हो चुकी है और मेरे पास कैमरा इस टाइम सिर्फ GoPro है और GoPro की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है जब लो लाइट हो जाए। दिन को गुजारा कर लेता है लेकिन रात के टाइम नहीं कर सकता। तो पार्किंग लग रहा है कि फुल है और शाम भी हो रही है, थोड़ी ठंड भी बढ़ रही है, तो इसको आज स्किप करते हैं और इसकी जगह जाके टाउन का एक चक्कर लगा लेते हैं कि शाम को कैसा लगता है और फिर इस व्लॉग को वहीं पे ख़त्म करेंगे और व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो रहा है। बैंफ की एक नाइट ड्राइव एंजॉय करते हैं। बहुत ही खूबसूरत शहर है बैंफ और रात को और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है जब सारी लाइट्स ऑन होती हैं और एक खूबसूरत सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है।
उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। अगले वक्त तक के लिए आपका होस्ट नासिर खान इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़।